वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। सैमसंग M55 फाइनली स्नैपड्रैगन के 7 सीरीज के प्रोसेसर लेकर आने वाली है। भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इस फोन की जो फर्स्ट लुक है बाहर निकल के आ चुके हैं और इसका इंडियन प्राइस कितना होने वाला है, कंफर्म लॉन्च डेट कौन सा है इस महीने में या फिर अप्रैल के महीने में, सब कुछ बताऊंगा। वेरियंट्स कौन से रहेंगे वो भी बताऊंगा, कैमरा कैसा होगा वो भी बताऊंगा। बट वेट वेट वेट, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लो भाई के चैनल को, नहीं तो ऐसे लेटेस्ट वीडियो बहुत ही कम मिलते हैं यूट्यूब में। अब फटाफट से इसके डिजाइन के बारे में थोड़ा सा मैं बकबक कर देता हूं, बिकॉज सब कुछ क्लियर कट बाहर निकल के आ चुका है। बैक पैनल को देखोगे तो टिपिकल ये सीरीज के जितने भी फोन्स आते हैं वैसा ही टाइप का आपको वर्टिकली कैमरा लाइनअप देखने को मिल जाएगा। साइड में एक आपको फ्लैश भी देखने को मिल जाता है और नीचे में आपको सैमसंग का ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाता है। ग्लास बॉडी देखने को नहीं मिलता, सैमसंग प्लास्टिक बॉडी ही प्रोवाइड करता है, तो इस बार आपको स्क्रैचलेस प्लास्टिक बॉडी का ही इस्तेमाल देखने को मिलेगा। कलर जो है आपको दो कलर में देखने को मिल जाएंगे। वैसे तो है इसके अंदर एक ब्लू कलर रहेगा और दूसरा और एक कलर सैमसंग न्यू लाने वाला है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जैसे कि सैमसंग की डिस्प्ले होती है फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले एंड सेंटर कंसोल के साथ 6.7 इंच के साइज में आपको ये डिस्प्ले देखने को मिलेगा। बेजल्स जो है वो मुझे बहुत ही कम लगे, वैसे और भी बेहतर हो सकता था बट इस प्राइस के अंदर एम सीरीज में बेजल्स मुझे बहुत ही कम लगे पिछले फोन्स के मुकाबले। रैम एंड रोम वेरिएंट के बारे में बात करें तो 8GB 128GB एंड 12GB 256GB वेरिएंट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई इस फोन के अंदर पहली बार सैमसंग देने वाला है अपना स्नैपड्रैगन 7 जेन 1 चिपसेट। भाई इस प्राइस के अंदर सैमसंग ज्यादातर अपने एक्साइनस सीरीज के प्रोसेसर ही डाल रहे थे और जो लोग थे ना कहीं जाके भटक जा रहे थे कि भाई नहीं भाई एक्साइनस के प्रोसेसर हमें नहीं जचता है, गेमिंग करना रहता है। भाई बहुत सारे लोगों को वैसे भी रेंडरिंग वगैरह करते हैं, बहुत लोग वीडियो वगैरह भी एडिट करते हैं, बहुत सारे टास्क भी रहते हैं, तो उन सारी चीजों को देखते हुए सैमसंग ने इस बार एक बिगेस्ट अपडेट लिया एंड यहां पे 7 जेन 1 को डाल दिया। इस 7 जेन 1 को देखोगे 4 nm का एक चिपसेट है और ये जो चिपसेट है ये स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 का ही छोटा भाई है और इसके एंटीडोस स्कोर्स भी बहुत अच्छे है, गेमिंग वगैरह मक्खन की तरह कर सकते हो। अब भाई कैमरास के बारे में तो थोड़ा बताना ही पड़ेगा, बिकॉज इस फोन के अंदर कैमरा जो होने वाला है एकदम बीच लेवल का होने वाला है। पीछे के साइड में ट्रिपल रियर कैमरा लगेगा वर्टिकल शेप में और 50 megapixel का सैमसंग का GN3 सेंसर देखने को मिल जाएगा और जो बाकी के दो लेंस है अच्छे लेंस है भाई, बुरे नहीं है। 8 megapixel के इन लोगों ने अल्ट्रा वाइड भी डाल दिया है और साथ ही साथ 2 megapixel का आपको डेप्थ सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रंट में तो बिगेस्ट अपडेट कर दिया है, 50 megapixel का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और मे भी हो सकता है इस बार फ्रंट में भी आपको 4K वीडियोस के सपोर्ट देखने को मिलेगा। बैक में तो ऑफकोर्स रहेगा OIS के साथ। अब OS एंड UI के बारे में क्या ही बताओ, इसके अंदर आपको One UI 6 देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस फोन के साथ आपको Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा और बाकी आपको पता ही है सैमसंग अपडेट्स में सबसे आगे है भाई, 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट एंड 5 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट देंगे, तो नो डाउट भाई 14 के साथ 15 16 17 18 तक आपको देखने को मिल जाएगा 4 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट। अब सेंसर्स के बारे में बात करें तो ऑल सेंसर्स इसके अंदर अवेलेबल रहेंगे, इंक्लूडिंग 3.5mm ऑडियो जैक का सपोर्ट रहेगा कि नहीं रहेगा उतना पता नहीं, बट सेंसर जो है ये आपको फेशियल अनलॉक एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के सपोर्ट इस फोन में रहने वाले हैं। बैटरी में इंप्रूव किया गया है, इस बार 5000mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा और ये डिवाइस सपोर्ट करता है 45mAh के फास्ट चार्जर को। आपको पता है भाई सैमसंग वाले या फिर एप्पल वाले या फिर दूसरे भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड है बॉक्स के अंदर चार्जर प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट ऐसा क्यों कर रहे हैं पता नहीं, इतना पैसा दे रहे थे चार्जर एटलीस्ट देना चाहिए था, खैर आपको खरीदना पड़ेगा। 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है ये फोन। अब देखो ये एम सीरीज का स्मार्टफोन है तो ये Amazon पे ही एक्सक्लूसिव लॉन्च होगा, इसका बैनर वगैरह बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा प्राइस पॉइंट के बारे में बात करें तो 8GB 128GB वाला जो वेरिएंट रहने वाला है मेरे अकॉर्डिंग 28,000 रुपए के आसपास होने वाला है, बाकी बैंक डिस्काउंट लगाएगी या आपको 25,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा अगर बैंक डिस्काउंट लगाते हो तो, लेकिन 28,000 के आसपास ये फोन रहने वाला है। ये अप्रैल महीने में लॉन्च हो जाएगा, अप्रैल के सेकंड वीक पे, एंड सैमसंग की तरफ से बहुत ही जल्दी आपको इसके फीडबैक्स भी देखने को मिल जाएंगे Amazon इंडिया लाइव पेज के ऊपर। यही थे दोस्तों इसके सारे स्पेक्स वगैरह एंड फर्स्ट लुक कंफर्म स्पेसिफिकेशन। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, पसंद आया तो लाइक कर सकते हो एंड आप कमेंट करके बताओ इसके लिए आप एक्साइटेड हो कि नहीं। चलिए मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, क्या वंदे मातरम।